हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने सुना कि आप चारों इससे पहले भी किसी ना किसी एथलेटिक मतलब स्पोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व थे, है ना? Yes. हाँ, अरे ये मतलब खतरनाक, ये वेट लिफ्टर है बहुत कमाल की। चौबे जी आप क्या करते थे? मैं चाहता हूँ आप खुद बताएं। पहले मैं एथलेटिक्स करते थे मैम, लॉन्ग जंपर थे मैम, मैं क्रिकेट प्लेयर थी पहले, मैंने रानी झांसी ट्रॉफी के लिए भी है। वाओ वाओ, मैं पहले कबड्डी की प्लेयर थी, कबड्डी जी। कबड्डी 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 गोल्ड लेने गए थे, लेके भी आए गोल्ड लेने गए थे, लेके भी आए, इन्होंने लाना ही था, ऐसी फेंकी बॉल तोड़ दी दुश्मनों की हड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। निशान चढ़ गया इतना क्यों? ऐसा मैं गया कल शादी में, मैं शादी में गया, मेरे को बड़ा मजा आया। मैं शादी में गया, वहां जा रहा था पैदल चल के गया, मेरा पैर मुड़ गया, टूट गई मेरी नहीं चप्पल टूट गई, आप मेरी हड्डी तोड़ दो। मैं वहां गया, बड़ी गरम गरम बिरयानी पकड़ी थी, मैंने एक निवाला खाया, दांतों में फंस गई, नहीं इलायची यार वेज बिरयानी थी। अच्छा। उसके बाद मैंने दाल खाई, दाल में नहीं थी हड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। उस्ताद जी जी आप थक गए होंगे, मैं आपका गला दबा देता हूँ। क्या हरकतें कर रहे हैं आप, हमारे गेस्ट को परेशान कर रहे हैं आप। भाई साहब ये गेस्ट होंगे आपके, अच्छा हमारी तो मेहमान है। क्या गेस्ट और मेहमान एक ही बात होती है भाई साहब? ऐसे बिठा के दो हो जाती है बात। देखो छह छह लोग आए हुए कह रहे एक ही बात होती है। भाई आप लोगों ने हमारे लिए जो किया है बहुत बड़ी बात है, मैं इसलिए आप लोग के लिए कुछ लाया हूँ, अपने दोनों हाथों से बनाया है। क्या? ताली। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे पड़ोस के उस्ताद जी हैं, एक नंबर का लीचड़ आदमी है ये। हेलो खबरदार, तुम्हारा मुझे कभी आदमी कहा तो लीचड़ कहा तो। अरे ये कोई आप बताइए कोई बात है? नहीं। हमारी भी कोई इज्जत है यहाँ पे। कैसे हैं आप सब? बड़ी ठीक। भाई आप लोग को देखता हूँ ना, ये आपकी मूछे भंगड़ा क्यों कर रही, क्या हो रहा है? मूछे भंगड़ा नहीं कर रही, मेरे को रोना मेरे को रोना आ रहा है। क्यों? मैं आप लोग को देखता हूँ ना, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। गर्लफ्रेंड? वो भी खिलाड़ी थी? बहुत बड़ी खिलाड़ी थी साहब।
ऐसा खेलिए हमारे दिल से। नीला और ऊपर से सारे घर का गोल्ड भी चुरा के ले गई। अच्छा लेकिन आपको पता है मेरे से प्यार बड़ा करती थी वो। अच्छा हाँ रामू जाओ कपड़ा मार दो डस्टिंग कर देना पानी सब मेरे से ही करवाती थी। बॉयफ्रेंड नहीं नौकर होंगे फिर आप उसके। अच्छा तभी मैं कहूँ ये दिन भर तो मेरे साथ रहती है रात को क्यों कहती है किचन में चादर बिछा के लेट जा। ये है आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैं ना पढ़ाई से बचने के लिए मैं क्या करता था फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाके कबूतर बन के घोंसले में छुप जाता था। एक बार ऐसे ही मैं जाके घोंसले में छुप गया और वहां पे मुझे कबूतरी के अंडे महसूस हुए। जब मुझे लगा मैं शायद फीमेल कबूतरी के घोंसले में आ गया हूँ और वहां कबूतरी आ गई उसने हल्ला मचा दिया कहती बचाओ बचाओ। वहां मेल कबूतर इकट्ठे हुए और मेल कबूतर एक ऐसा पहलवान भी था तो मेरी तरफ ऐसे आ गया पास में। आपको पता है उस कबूतर ने मेरे से क्या कहा? कहता है पक ब्रो। जबकि मैंने उसे कहा भी मैंने कहा लेकिन वो कहता पक ब्रो। ये आप कैसी बेवकूफ वाली बातें करते हो। उस दिन भी मैंने देखा आप वो कुत्ते को समझा रहे थे कि खंबे को पानी मत दिया करो इस पे कौन सा सेब लगेंगे। ये सब आप चीजें क्यों करते हो आप? एक मिनट मेरे को इसमें क्या बेवकूफी बात बताओ। खंबे में कभी फल आते हैं? नहीं। करंट आता है और मैंने ये बात कोई गलत आप मुझे गलत बात पे टोकेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सोफा है। ये खिलाड़ी सारे हैं ना जो आपको इतना ऐसे मुंह पे मुक्के मारेंगे ना साहब फिर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये भी बैडमिंटन है। आज सिक्स सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा है। ये आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ना आपको म्यूजिक का कुछ पता है ना आपको स्पोर्ट्स का कुछ पता है ना आपको मुंह का कुछ पता है। कैसा गंदा मुंह लेके घूम रहे हैं आप? हेलो स्पोर्ट्स की मेरे को इतनी नॉलेज है जितनी इन सबको भी नहीं होगी। क्या नॉलेज है आपको? नहीं ये ज्यादा बोल दिया इनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। मुझे इतनी नॉलेज है जितनी उसको भी नहीं होगी वो बैठा ना जिसने नाक लगवाई हुई है यहाँ। और अब जहां तक संगीत की बात है संगीत की मुझे पूरी नॉलेज है पूरा सुरों का ज्ञान है मुझको। क्या ज्ञान है आपको? अपना लवली जी हाँ जी कभी भी आपको ऐसा म्यूजिक का कोई कंसर्ट कराना हो 4-5 लोगों में तो मेरे को बुला लेना। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बड़े कंसर्ट्स किए हैं आपको पता है पुलिस वालों के लिए मैंने बड़े शोज किए हैं। अच्छा हाँ एक बार पुलिस वालों ने मेरे को बुलाया और परफॉर्म करवाया मैंने आलाप लिया साहब पसीने छूट गए उनके। अच्छा हाँ बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उल्टे होके क्यों सुन रहे थे मेरे को। वो उल्टे नहीं थे आपको उल्टा लटकाया था उन्होंने। मतलब वो डंडे से मेरे पीठ पे ताल नहीं दे रहे थे ऐसे करके मार रहे थे आपको पीट रहे थे वो आपको। वही मैं सोचूं मुझे लगा थाने में इनके पास तबले नहीं इसलिए मेरे तबले बजा रहे हैं। चलिए बड़े आज खुलासे हो गए मैं बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। और जब मैंने इतने आज आपने मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं तो मैं सोचता हूँ मैं भी एक डाउट क्लियर कर ही दूं। क्या आप मैं जब ऐसे करता हुआ आया था और मैंने वो कहा था ना टूट गई मेरी चप्पल हाँ। आपने कह दिया था हड्डी कबड्डी 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 निखत जब आपने गोल्ड मेडल जीता आपने कहा कि ये मेडल जो है मेरी मम्मी को समर्पित है। बॉक्सिंग आपने पापा सीखी तो पापा ने कहा नहीं कि बेटा सीखती मेरे से रही मेडल माँ को समर्पित कर दिया। सर मम्मी भी तो पापा की है जाना भी तो वही है। निखत जो है ये 50 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं। निखत एक बात बताइए अगर आपका कहीं रोड पे जाते हो किसी से झगड़ा हो जाए वो निकले 70 किलो की तो आप वापस लड़ोगी कि बोलोगी 20 किलो कम करके आ ये गलत है फाउल है या बोलती हो कि जाओ 25-25 की दो लेके आओ? नहीं कभी मैं रोड पे अकेली निकली नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं निकलूंगी तो कोई तो पिट जाएगा।
वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ और सब ऑडियंस भी नोटिस करे कि आज कपिल किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा है. Exactly. मैं यही सोच के आई थी कि मैं कपिल सर को ये बोलूंगी कि जब भी कोई सुंदर सी एक्ट्रेस आती है शो पे वो सबके साथ फ्लर्ट करते हैं. आज हम आए, हम भी सुंदर लग रहे, तो हमारे साथ क्यों फ्लर्ट नहीं कर रहा? ये पहन के नहीं आती ना. ठीक है, अभी तो पहना भी नहीं, आप तो कर सकते हो. इतनी दूर बैठी हूँ मैं. गोल्ड मेडल जीत गए तो खाली हाथ भी मौका मारोगी तो आदमी का काम हो जाएगा. मैं अपने दर्शकों को बता दूं, निखत जो है बैंक में भी जॉब करती हैं. बैंक वालों ने इसलिए आपको लिया, आपका अकाउंट अच्छा है, या उनको लगा कि ये जो झगड़े वाली गाड़ियां होती हैं या कई लोग लोन लेके वापस नहीं करते, रिकवरी में काम आएगी लड़की? रिकवरी नहीं, नहीं जी हाँ, मैं बैंक में काम करती हूँ, मैं एज ए जूनियर मैनेजर. तो सीनियर मैनेजर भी कुछ नहीं बोलते होंगे आपको तो? कुछ नहीं बोलते वैसे तो. कोई बोलेगा भी नहीं, सबको अपना फेस अच्छा लगता है विदाउट कट. मुझे अचीवमेंट बेसिस पे जॉब मिली थी स्पोर्ट्स कोटा में, तो जब से मैंने ज्वाइन किया वो लोग ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है. वो बस एक ही चीज़ कहते थे कि आप अपना फोकस पूरा बॉक्सिंग पे रखो, इधर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप मेडल जीता हो हमारा देश का और बैंक का नाम रोशन. बिल्कुल बिल्कुल. रूपा रानी आप हमेशा टॉप पे रही हैं, स्कूल में आप टॉप में रही, कॉलेज में आप टॉप पे रही, कॉमनवेल्थ में आप टॉप पे रही, अभी जो घर में रहती हैं आप ग्राउंड फ्लोर पे रहती कि टॉप फ्लोर पे? घर के फ्लोर पे ही रहती हूं. वाओ, सो ग्राउंडेड यू आर. मेरे को ना विश्वास नहीं होता कभी कभी, ये वही लड़कियां जो अभी हम टीवी पे देख रहे थे ये सब चीजें, और आज हमारे पास बैठी हुई हैं. पिंक का है चौबे जी. लास्ट ईयर ना पीवी और दीपिका पादुकोण का एक वीडियो वायरल हुआ था बैडमिंटन खेलते हुए. तो मुझे ये पूछना था कि जब आप दीपिका से मिली, मेरी बात हुई थी? अभी नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ ना तब बात करती हूँ. बोलना वो ठीक है, टेंशन मत लो. अच्छा, बोलूंगी कि आप बहुत अच्छा खेले मेरे साथ बैडमिंटन. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.